कि सावित्री जी बहुत ज्यादा अच्छी, मतलब जैसे उनका एरिया है उसमें बहुत ज्यादा उन्हें लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पसंद करते हैं बहुत ज्यादा। उनकी वीडियोस मिलियन में अभी जा रही हैं, मतलब 8-9 घंटे में मिलियंस में व्यू चले जाते हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा यूट्यूबर होगा जिसकी वीडियोस मिलियंस में जा रही हैं। ये इंसान उनके घर शादी करने जाते हैं, 4 लोगों को लेकर जाते हैं। हाँ समझ सकते हैं कि वो महाराष्ट्र में है और सावित्री जी झारखंड में है, तो इतना दूर इतने सारे लोगों को ले जाना नहीं हो पाता है, समझ में आता है। ये 4 लोगों को लेकर गया, शादी करके लेके आए भाई नारायण जी और लेके आ गए। अब चलिए यहाँ तक तो चीज ठीक थी, जो था वो था। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जब ये अपने घर पे आए, देखिए अब मेरे यहाँ बहू आती है, आपके यहाँ पे भी आती होगी बहू, जो बहू आती है ना तो उसके स्वागत के लिए ना, अगर गांव है तो बहुत सारी लेडीजों को इकट्ठा करते हैं, फिर ढोलक वगैरह लेके आते हैं, फिर बजवाते हैं। बट आजकल ये हो गया कि बहू आती है तो म्यूजिक साउंड्स वगैरह रख देते हैं और म्यूजिक बजा के डांस वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसका वेलकम करने का एक तरीका होता है। सावित्री जी जो इतनी बड़ी यूट्यूबर्स हैं, वो गई अपने ससुराल में एक नॉर्मल सा, मतलब उनकी सास उनको जैसे नॉर्मल होता है ना वैसा वेलकम कर दिया। नॉर्मल भी क्या बोलूँ, जैसे 4-5 बार बहू चली जाती है ना घर पर, ऐसा वेलकम किया। उनके वेलकम में 2 लेडीज बाहर की नहीं थी, ओनली उनकी सास, उनकी ननद और सावित्री जी, और सावित्री जी का हस्बैंड, वो लोग थे। तो मुझे ये बताइए, फिर चलो ठीक है इतना भी हो गया, तो उन्हें कोई देखने तक नहीं आया सावित्री जी को घर पर। देखिए बहू आती है आपके घर में, जाहिर सी बात है, अगर आप रह रहे हो तो आड़ पड़ोस में, जैसे अभी मैं यहाँ रह रही हूँ, तो अगर मैं कुछ रखूँ तो मेरे पास भी 4 लोग आते हैं, पर सावित्री जी इनके घर में नहीं बहू आई, इनसे मिलने कोई ही नहीं आया। क्यों नहीं आया बताइए ना। जब सा देखिए न्यू बहू का वेलकम के लिए तो लोग रहते हैं, अरे बेशक लोग उन्हें एज ए यूट्यूबर देखते होंगे, बट रियल में देखना एक डिफरेंट होता है। बहुत सारे लोग चाहते, जैसे अभी सनातन ने अपनी भाई सावित्री की शादी की थी, तो बहुत सारे लोग आ रहे थे उनकी शादी में, आ रहे थे उनसे मिलने। अब हद तो जब हो जाती है भाई, जब कुछ दिनों बाद, बहुत कुछ दिनों बाद उनकी माँ की कोई फ्रेंड आती है उनके घर पर और पूछती है सावित्री जी के बारे में कि ये कौन है। अब आप सोच सकते हो कि क्या रिएक्शन, समझ में नहीं आ रहा कि इस टाइम क्या दें कि आपके घर में बहू आई। अब ये तो होता नहीं है कि अगर आप बहू को लेके आए हो तो लड़की वाले के हैं, जितने फंक्शन होंगे सब लड़की वाले के यहाँ होंगे, लड़कों वालों के यहाँ कुछ नहीं होंगे। भाई हमारे यहाँ पूरा इंडिया में, मैं सोचती हूँ मैं, ऐसा इंडिया में कोई स्टेट नहीं है जहाँ के लोगों से मेरा कनेक्शन नहीं हुआ हो, यानी कनेक्ट ना हुआ हो, क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मुझे हर स्टेट के लोग मिल जाते हैं। पंजाब ले लीजिए, जम्मू ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, राजस्थान से तो मैं खुद बिलोंग करती हूँ, यूपी से ले लीजिए, साउथ से ले लीजिए, साउथ के हर एक स्टेट से मेरा कनेक्शन हो जाता है, क्योंकि हम लोगों का जॉब ही ऐसा है कि लोग हमें बाय कॉन्टेक्ट मिल ही जाते हैं। तो ऐसा तो मैंने कहीं नहीं सुना कि बहू के, मतलब कि लड़की के यहाँ रिवाज होता है या लड़के के यहाँ नहीं होता। भाई अगर सावित्री की जी के यहाँ सारे फंक्शन हुए हैं, तो आपने अपने लड़के के लिए फंक्शन नहीं किए? मैं नारायण की मम्मी से पूछती हूँ, आपके यहाँ फंक्शन नहीं हुए थे क्या? ऐसा कहाँ पर रिचुअल है कि लड़के के यहाँ फंक्शन नहीं होते और फिर आपकी बहू आ जाती है? आपको कोई एक तो एक कोई बंदा नहीं आता है भाई उसके वेलकम के लिए, फिर उसके बाद जब एक लेडीज कभी कहीं से भूली भटकी चली जाती है और वो आगे पूछते ये कौन है, तो इनको अब पता नहीं भगवान जाने उन्होंने क्या उसका इंट्रोडक्शन दिया कि कौन है कौन नहीं है, बट तो यूट्यूब में उनका वीडियोस में तो ये चीज़ हम लोगों को पता नहीं चली थी। अब सोचिए देखिए, जब सावित्री जी ससुराल आती तब तो उन्हें पता चलता है कि उनका घर जो पुराना था, जो उनके डैडी देख के आए थे, वो बिक चुका है, ये रेंट पे रहने लग गए, अब हम न्यू घर देख रहे हो और इनके साथ फ्रॉड हो गया। ठीक है, अब ये सोचिए जो लड़की शादी करके आई और सडनली उसको इतनी सारी चीजें पता चली, तो सोचिए उसके माइंड में क्या प्रेशर पड़ेगा कि क्या है इनकी लाइफ और मेरे साथ क्या हुआ है। ठीक है, अब फिर उसके बाद भी सोचिए, अब इनको सडनली पता चलता है कि इनकी जो नारायण जी हैं उनसे भी बड़ी एक बहन है, 42 ईयर्स, 42 तो वो है, 44 ईयर्स की, क्योंकि ये वर्ड्स मैं नहीं बोल रही, ये खुद सावित्री जी ने बोला है। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 30 है और मेरे हस्बैंड की उम्र मुझसे 12 साल बड़े, तो जाहिर सी बात है 42 है, और जो उनकी ननद है वो 44 ईयर्स की है।
तो मुझे एक बात बताइए सावित्री जी, कि ये चीज़ आपको पहले क्यों नहीं पता थी, क्योंकि आपकी शादी तो काफी टाइम भी रुक चुकी थी, या तो इन लोगों ने आपसे झूठ बोला, क्योंकि इतना तो हम लोग भी आपको जानते हैं कि आप झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि मैं आपकी वीडियोस को फॉलो करती हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि जो आप पहले वीडियोस बनाती हूँ और अब वीडियोस बनाती हूँ उनमें आपके फेस के जो एक्सप्रेशन है वो मैच नहीं होते जब आप इन लोगों के साथ वीडियोज बनाती हो, क्योंकि आप जब इन लोगों के बारे में बात करती हो तो आपका माइंड और आपका फेस दोनों मैच नहीं होते, आप मुंह से कुछ बोल रहे होते, फेस के एक्सप्रेशन आपके कुछ और रहते हैं। तो इनकी इनसे भी बड़ी एक बहन है जो बेचारी प्यार से, मतलब कुछ उनमें, मतलब वो फिजिकली और मेंटली प्रॉपर नहीं है, मैं ये बोलना चाहूंगी। तो देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ये तो नेचुरल चीज है, भगवान की देन है, किसके घर में क्या प्रॉब्लम आ जाए इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बट ये चीज भी उन्हें तब पता चलता है जब वो शादियों के घर पहुंच जाती है, फिर वो कहती है मैं आपको एक किसी मेम्बर से मिलवाती हूँ, तो मैं और ये इनकी बड़का बहन, बड़ी बहन है, सॉरी मैं उनकी लैंग्वेज में बोलने लगी थी, बड़ी बहन है। तो फ्रेंड्स मैं आप ये पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि ये बात उन्होंने शादी से पहले क्यों नहीं बताई, अगर आप शादी से पहले बताते ना तो शायद चीजें अच्छी होती हैं, सावित्री जी भी उनको एक्सेप्ट करने के माइंड में रहते हैं। देखिए मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए हम कहीं जा रहे हो और हमें पता है इस रोड पे ना, और हम किसी के साथ एक भरोसे पे जा रहे हो, वो इंसान उस रास्ते से गुजर चुका है तो उसको पता है यहाँ पे पत्थर है, कंकड़ है या कांटे हैं, क्या है। तो जो हमारा साथी है हम लोग उसको अवेयर कर देंगे, हमारे पास ये इस रोड पे आपको प्रॉब्लम मिलेंगी। तो जो इंसान उसके साथ जा रहा होता है ना, उसको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई इस रोड पे मुझे पत्थर या कांटे जो है मिल सकता है, तो वो अपना माइंडली एक सेट कर रखता है कि हाँ मेरे साथ ये चीजें हो सकती हैं तो मैं अपना प्रिपेयर होके रहूं। अब सडनली आप एक इंसान को ले जा रहे हो, उस रोड पे कांटे पड़े हुए हैं, तो अब सोचिए कि जब वो कांटा लगेगा उसके पैर में तो उसे कितना दर्द होगा। तो सेम यही सावित्री जी के साथ हो रहा है कि उन्हें भी नहीं पता था कि अगर आप नारायण जी पहले उन्हें बता देते कि ये प्रॉब्लम है, तो शायद सावित्री जी इस चीज को प्रिपेयर, यानी मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर रहती कि हाँ ये चीजें हैं। बट आप लोगों ने नहीं बताया, पर मैं ये पूछती हूँ आप लोगों ने क्यों नहीं बताया सावित्री जी को ये चीज़, आपको बतानी चाहिए थी। देखिए मैं सावित्री जी ये नहीं कह रही कि मैं चाहती हूँ, अगर जो मैं चीज़ सोच रही हूँ और जो कुछ यूट्यूबर्स हैं वो चीज़ सोच रहे हैं, भगवान करे वो झूठ हो और आप अपनी लाइफ में खुश रहें। बट अगर आपके साथ एक ना एक न्यू चीज आती रहती है, और भी बहुत सारी न्यू चीजें हैं, अगर मैं वो बताने बैठ गई तो और वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको इतना ही रखना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि सावित्री जी अगर कोई चीज होती है तो उस चीज से थोड़ा आप सीखें। अभी आप ना घर लेने के पीछे पड़ी हुई, घर लेना है, घर लेना है, घर लेना है। अगर आप घर ले रही हैं तो उस घर को अपने नाम कराइएगा, अगर आपको कोई कल चीट करके चला जाएगा तो इसमें आप उस इंसान का इतना गुणगान करती रहती हैं, वो अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, वो अच्छे हैं। पर मैं ये सोच रही हूँ कहीं आपके साथ कल कोई गलत चीज हो गई तो आप जब बोलेंगे वो इंसान गलत है, तो आपकी यही यूट्यूब फैमिली आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगी कि आपको इतना आइडिया नहीं था। बट मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि आपके साथ ऐसा ना हो। बट अगर आपको ऐसी चीजें कुछ लगती हैं, जैसे मेरे माइंड में ये क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो जाहिर सी बात है आप उस सिचुएशन में रह रही हो, तो आपकी माइंड में ये चीजें पुटअप होना जाहिर सी बात है। तो आप इन चीजों से भी अवेयर रहें कि जरूरी नहीं है जो इंसान आपसे मूठा बोल रहा है तो वो अच्छा ही हो। तो फ्रेंड्स बस मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, अगर आपको लगे कि हाँ मेरी वीडियो थोड़ी ठीक ठाक है और मेरे क्वेश्चन ठीक हैं, तो प्लीज़ अपना लाइक शेयर और लाइक कीजिए वीडियो को, और शेयर भी कीजिए और कमेंट। और हाँ मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से बोलना चाहती हूँ, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ इस पर वीडियो बनाइएगा, अगर वो इंसान के साथ गलत भी करना चाहे तो भी ना करे। तो बस थैंक यू फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।